बागवान साथियों नमस्कार, मैं डिंपल पांचटा, मेंबर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी नौणी सोलन। आज फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं आप लोगों से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करना चाह रहा था और साथ ही साथ कुछ ऐसी जानकारियां जिसकी आजकल लोग काफ़ी फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस मुझे आ रहे हैं और इस वक्त ज़रूरत भी है हमारे बगीचों के रखरखाव से संबंधित। फार्मर की डिमांड आ रही है कि क्या स्प्रे करें, जो न्यूट्रिशन आप सेब में डालते हैं, जो फंगिसाइड आप सेब में करते हैं, उसको आप पियर में भी कर सकते हैं, मगर ध्यान क्या रखना पड़ेगा, अभी एक इंसेक्ट आता है सेला, पियर सेला, तो वो पियर सेला भी आप देखेंगे सेब में, एप्पल सेला, और उसमें लगे बिल्कुल छोटा सा कीड़ा होगा, आप एक ऐसे डिम्पल से पड़ते हैं फ्रूट में, बहुत डीप सा एक होल होगा, डिम्पल सा पड़ा होगा फ्रूट में, पियर में भी और सेब में भी, वो सेला है। तो उस सेला के लिए आपको, अगर आप ऑर्गेनिक या नेचुरल वे में, तो आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, आप चेक कर सकते हैं, फ्रूट के ऊपर छोटा सा एक ग्रीन सा कीड़ा होता है। और बागवान साथियों आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑनलाइन जब आप ऐसी चीज़ें मंगाते हैं तो एक चीज़ और ऑर्डर कीजिए, वो लेंस होगा। अगर आपके पास लेंस नहीं है तो आपके पास मोबाइल होगा, और जो मोबाइल होगा उससे भी आप कैमरा पे जाके जूमिंग करके उसको देख सकते हैं, अगर कोई लोग नहीं देख पाए, वैसे बहुत बड़ा होता है, वो नंगी आंखों से भी दिख जाता है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपके पास टूल्स होने चाहिए जिससे आप आइडेंटिफाई कर सके। और आजकल बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं कि जो पत्तियों के ऊपर ब्राउन से स्पॉट पड़े हुए, कुछ मुड़े हुए हैं, कुछ ब्राउन, वो बेसिकली वायरस है, लीफ कर्ल या पीला पीला से अगर दाग पड़े हैं तो वो मोज़ेक वायरस है। इन दोनों भी बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। वक्त के साथ साथ क्या होगा, वो पीले पड़ेंगे पत्ते और ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएंगे, फिर नए पत्तों में वो नहीं आते हैं। इसका इलाज सिल्वर टिप पे होता था, वहां पर आप जब कॉपर बेस्ड फंगिसाइड डालते हैं उसके साथ आपको एंटीबायोटिक करते हैं तो उसको काफी रिलीफ मिलता है। इसका कोई इलाज नहीं। आजकल जो भी आपके पत्ते मुड़े हुए हैं बगीचों में, या मोज़ेक वायरस है जिसमें आपका पत्ता पीला भी हो चुका है, उसमें आप क्या करेंगे, उन पौधों को मार्क कर दीजिए, किसी भी पेंट से रंग लगा के या धागा बांध के उसको मार्क कर दीजिए। अगले साल जब आप प्रूनिंग करेंगे, क्योंकि ये सही समय है उसको चिन्हित करने का, वायरस वालों को, जितने भी इन्फेक्टेड प्लांट है आपके बगीचे में उसको मार्किंग कर दीजिए, उससे ना तो कलमे लीजिए, मतलब उसको ना किसी को कलमे दीजिए ना अपने पास लगाइए, क्योंकि वो स्प्रेड होगा, क्योंकि वो उसके सेब में चल पड़ा है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कैसे चिन्हित करें उन पौधों को, और अगली बार जब आप प्रूनिंग करेंगे विंटर में तो पहले बाकी बगीचों की कीजिए, उसके बाद उन पौधों की कीजिए, और अपनी कैंची को सैनिटाइज जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है।